हरे कृष्णा। थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम आ गया था। तो हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से भीष्म देव भगवान के सुंदर रूप का वर्णन कर रहे हैं कि तीनों लोगों को आकर्षित करने वाला है आपका रूप, आपका जो पीताम्बर है बड़ा सुंदर है और ऐसा सुंदर रूप मेरे आकर्षण का विषय बने, मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा और नहीं करता हूं, मैं किसी और प्रकार के फल की इच्छा नहीं करता हूं, बस मेरा मन यही है कि मैं आपके इस रूप का दर्शन करता हूं। प्रभुपाद जी तात्पर्य बड़ा सुंदर लिखते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में शरशैया पर लेटे भीष्म देव भगवान कृष्ण की वेशभूषा का स्मरण कर रहे हैं, जिसे वे अर्जुन के सारथी के रूप में देख रहे थे। जब अर्जुन और भीष्म के मध्य युद्ध चल रहा था तो भीष्म का ध्यान कृष्ण की चमचमाती वेशभूषा की ओर आकर्षित हुआ और इस तरह से वे अप्रत्यक्ष रूप में अपने तथाकथित शत्रु अर्जुन की प्रशंसा कृष्ण को अपने मित्र रूप में प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भीष्म देव भगवान की स्तुति तो कर रहे हैं लेकिन किस रूप में कर रहे हैं, विजय सखे, जिसे भगवान का नाम लेते ना यशोदानंदन। तो जब हम यशोदानंद बोलते हैं हम गुणगान तो कृष्ण कर रहे हैं लेकिन असली में हम यशोदा मैया गुणगान भी कर रहे हैं कि देखिए कितनी महान है यशोदा मैया की जिनके पुत्र स्वयं भगवान बनकर आए हैं। तो भगवान भीष्म पितामह कह रहे विजय सखे। विजय सखे का मतलब क्या है, जो अर्जुन के मित्र बने हैं अप्रत्यक्ष रूप से वो अर्जुन की प्रशंसा कर रहे हैं और कृष्ण को अपने मित्र रूप में प्रवाहित करने के लिए कर रहे हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप में वे अपने तथाकथित शत्रु अर्जुन की प्रशंसा कृष्ण को अपने मित्र में प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, विजय सखे। तो यहां हम सुनते हैं कि जब भगवान की स्तुति होती है तो भगवान के भक्तों के साथ होती है, क्योंकि जब भगवान को उनके भक्तों के साथ जोड़कर पुकारा जाता है तो वे अतीव प्रसन्न होते हैं क्योंकि भक्त उनके दिव्य रस से बंधे हैं। जब कृष्ण अर्जुन के सारथी थे तो सूर्य किरणें भगवान के वस्त्रों पर पड़ रही थी और ऐसी किरणों से उनका जो सुंदर रूप है वो भगवान के दर्शन करके भीष्म देव भुला नहीं पा रहे हैं और योद्धा के रूप में वे वीर रस में कृष्ण से अपने संबंध का आस्वादन कर रहे थे। तो उन्होंने बताया था ना कि वीर रस है, तो अनेक रस हैं और भीष्म देव वीर रस का जीता जागता उदाहरण है। उसके बाद अगले श्लोक में कहते हैं, बड़ा सुंदर अगला श्लोक, युद्ध क्षेत्र में जहां कृष्ण अर्जुन के साथ थे भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से धूलिस्त हो गए थे और श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था ना तो भगवान तो अर्जुन के सारथी बने थे और अर्जुन पीछे था भगवान आगे थे और सामने से भीष्म देव लड़ रहे हैं, तो भगवान के मुख को कौन देख पा रहा है इस समय, अर्जुन को तो भगवान की सिर्फ पीठ दिखाई दे रही थी, भीष्म देव भगवान के फेस को देख रहे थे, चेहरे को देख रहे थे। तो अब वो भीष्म देव भगवान के सुंदर मुख का वर्णन कर रहे हैं, बांसुरी नहीं बजा रहे उस समय, भगवान क्या कर रहे हैं, अपने भक्त के प्रेम वश भक्त की रक्षा करने के लिए वो इतने बिजी हो गए हैं युद्ध में रथ को चलाने के लिए। क्या हो रहा है कि जब युद्ध में घोड़ों के पैरों से जो मिट्टी उठ रही है और उन मिट्टी से सारे बालों में मिट्टी चली गई है, माथे पर मिट्टी चली गई है, इतना मेहनत कर रहे हैं कि पसीना आ रहा है लेकिन फिर भी कृष्ण को एक मिनट का समय नहीं है, कृष्ण ने ब्रेक नहीं लिया कि चलो अर्जुन मैं थक गया हूं थोड़ा सा पसीना बो लेता हूं मिट्टी साफ कर लेता हूं। यहां लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों की उठी हुई धूल से धूलित हो गए थे, श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीनों की बूंदे से भूग गया था। इतने बिजी हैं कृष्ण को यह सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी क्या, जरूरत नहीं थी, भगवान तो सर्वशक्ति वाली है लेकिन भगवान दिखाना चाहते हैं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा किस तरह करता हूं। He is very busy in serving his devotees. तो वो कह रहे हैं कि ये जो सुंदर रूप है, देखिए जब आदमी थका होता है ना तो वो थोड़ा रेस्ट लेता है लेकिन जो काम करना चाहता है वो बिना थके, कहते ना खून पसीना एक कर रहे हैं। तो भगवान अर्जुन की रक्षा करने आते थे, तब की बात है जब भीषण युद्ध हुआ था, हम चर्चा करेंगे आगे। तो भगवान वेट नहीं कर रहे हैं, पसीना आ रहा है उनको, मिट्टी उड़ रही है, बाल सारे मिट्टी में चले गए, पीताम्बर गिर गया है, लेकिन भगवान युद्ध लगे हुए हैं। अर्जुन
अर्जुन इस रूप को नहीं देख पाया, भीष्म देव देख रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने हुए घाव। जब बाण चला रहे थे तो अर्जुन में तो बाण पहुंच ही नहीं रहा था, सारे बाण तो भगवान अपने ऊपर ले रहे हैं। कह रहे मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घाव ने इन अलंकरणों की शोभा अच्छी हो रही है। प्रॉपर लिखते कि भगवान का शरीर दिव्य है तो कोई घाव नहीं बन रहा था, लेकिन ऊपर से भगवान भीष्मदेव को प्रसन्न करने के लिए। और प्रॉपर जी यहां पर एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, विश्वनाथ ठाकुर को कोट करते हुए कहते हैं कि भीष्मदेव के तीक्ष्ण बाणों से भगवान के शरीर में उत्पन्न हुए घाव उन्हें उसी प्रकार आनंददायक लग रहे थे जिस प्रकार काम इच्छा से भगवान के शरीर में प्रेमिका ने चुटकी लगाई हो। वो लिखते प्रेमिका द्वारा इस प्रकार चुटकी काटा जाना चाहे शरीर में घाव क्यों ना करे शत्रुता का नहीं बल्कि आनंद का प्रतीक बना जाता है। भीष्मदेव तीर चला रहे हैं लेकिन भगवान को उसको बड़ा आनंद दे रहे हैं। प्रभा लिखते हैं इसमें भगवान की सर्व करुणामय मुद्रा की प्रशंसा है क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ा। देखिए भगवान दोनों को प्रसन्न कर रहे हैं, भीष्मदेव को वीर रस में है तो भीष्मदेव को मौका दे रहे हैं ठीक है तुम लड़ो अपने पूरी शक्ति लगा दो और अर्जुन की रक्षा करनी है, दोनों अपोजिट पार्टी में है। प्रभा लिख रहे हैं भगवान की सर्व करुणामय मुद्रा थी क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ा, यद्यपि भीष्मदेव के बाणों से वे विचलित थे दिखने में लग रहा है, ना ही उन्हें भीष्म की मृत्यु शैया के निकट आने में कोई संकोच हुआ, यद्यपि भीष्म ने युद्ध भूमि में उनके संग दुर्व्यवहार किया था। इस दशा में भीष्म का पश्चाताप और भगवान की करुणामय मुद्रा दोनों ही अद्वितीय हैं। कृष्णा इज सो मर्सीफुल। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं भगवान का शरीर अभिन्न है अतएव परम पूर्ण शरीर में कोई घाव की संभावना ही नहीं थी। हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं इसको। अगले श्लोक में कहते हैं सपदी सख विचो निष्मये मध्ये निज परयो बलयो रथम निवेशया। और फिर यहां पर एक नाम लेते हैं श्लोक संख्या 35 में पार्थ सखे, वहां क्या नाम था विजय सखे। पार्थ किसका नाम है? अर्जुन का। प्रथा कुंती महारानी का नाम था, प्रथा पुत्र है पार्थ। पार्थ सखे कृष्ण को कृष्ण नाम से प्रसन्नता तो होती है लेकिन जब उनके भक्तों के संग उनका नाम पुकारते हैं तो और प्रसन्न होते हैं। तो देखिए भीष्म देव भगवान को प्रसन्न करने आते हैं, एक तरफ वो तीरों से प्रसन्न कर रहे हैं और एक तरफ से ऐसे नाम ले रहे हैं जिससे वो प्रसन्न हो, क्योंकि भगवान अर्जुन को बड़े प्रिय थे। अपने मित्र का आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन और दुर्योधन के सैनिकों के बीच प्रविष्ट हो गए। हमने सुनी थी कथा ये कि जब दोनों जने गए थे दुर्योधन और अर्जुन और दोनों ने बोला कि भगवान हमारी हेल्प कीजिए, तो भगवान ने बोला एक तरफ मेरी सेना है और दूसरी तरफ मैं हूं, लेकिन कंडीशन क्या है कि जहां मैं रहूंगा वहां मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो दुर्योधन ने भगवान की सेना ले ली और अर्जुन ने क्या बोला भगवान आप मेरे पास आ जाइए। अब जब युद्ध शुरू लगा तो भगवान ने बोला मैं करूं क्या, मेरे को युद्ध तो करना नहीं है। भगवान ने बोला कुछ नहीं करना आप आराम से बस मेरे सारथी बन जाओ, ड्राइविंग करो। देखिए ये है भगवान, कहने को भगवान है मालिक है, मालिक साहब पीछे आराम से बैठे और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। और वहाँ वर्णन है कि 64 करोड़ लोग थे और सबके पास घोड़े थे हाथी थे शस्त्र थे, तो इतनी आवाज़ हो रही थी कि कुछ बोलेगा तो कोई सुनाई नहीं देगा। तो जब अर्जुन रथ पे बैठा था और उनको कृष्ण को बोलना होता ना कि लेफ्ट चलो या राइट चलो, तो अगर बोलेंगे तो सुनाई देगा नहीं और हाथ से भी इशारा नहीं कर सकते क्योंकि एक हाथ में तीर है एक हाथ में कमान है। तो अर्जुन को बताना तो पड़ेगा ना भगवान को कि लेफ्ट चलना राइट चलना, सीधे थोड़े चले जाएंगे। तो अर्जुन क्या कर रहा है, पैरों से भगवान को मार रहा है और भगवान पैर के इशारे समझ रहे हैं। पैर मारा है तो इसका मतलब राइट मुड़ना है, अगर लेफ्ट तरफ पैर मारा है तो मुझे लेफ्ट मुड़ना है। ये है भगवान, अर्जुन की लात खाकर उनको आनंद आ रहा है। जैसे प्रॉपर उदाहरण देते हैं कभी कभी दादा की गोदी में या सर्प के ऊपर पोता चढ़ जाएगा और उसके बाल नोचता है थप्पड़ मारता है तो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट क्यों ना हो उसको बड़ा आनंद आ रहा है। ये है भगवान का प्रेम अपने भक्तों के प्रति। तो अर्जुन के लिए वो क्या करने का तैयार है, पिछले श्लोक में क्या क्या पढ़ा कि वो इतने रक्षा करने में तैयार है, पसीना आ रहा है मिट्टी उड़ रही है कोई चिंता नहीं है उनको। अब यहां वो क्या कर रहे हैं पार्थ सखे, पार्थ सारथी के रूप में उसके पैर भी खा रहे हैं। जैसे हम सुनते हैं ना जब नंद महाराज ने बोला भगवान को कृष्ण को जाओ मेरे जूते लेकर आओ, जूते भी लेकर आए, सर पर जूते लेके आ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की कथा में सुनते हैं एक बार चैतन्य महाप्रभु छोटे से बालक थे तो ऐसी गोदी में थे तो सची माता के थोड़ा सा गाल में मार दिया और मारा तो सची माता बेहोश हो गई, रोने लगे।
तो आसपास की स्त्री ने आके बोला, अभी तूने बड़ा बड़ा अपराध किया, जाओ नारियल लेकर आओ। तब चेतन आएगा उनको, वो नारियल लेकर आ रहे हैं, मतलब माता के, पिता के, अर्जुन के, साधारण स्त्रियों की सबकी बात मान रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं कि अपने मित्र के आदेश का पालन कर रहे हैं। इसमें बताया कि युधिष्ठिर ने बोला जाओ हमारा संदेश लेकर जाओ, तो आदेशवाहक की तरह जा रहे हैं भगवान शांति दूत बनकर। भगवान कृष्ण जब गए, और जब गए तो दूसरी तरफ एक तो अर्जुन का सखा के रूप में वो प्रसिद्ध हो गए, दूसरा वो कह रहे हैं कि जब आपने, आपको दूसरे लोगों ने देखा, मतलब अपोजिट पार्टी ने देखा, तो अपनी कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दिया आपने। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि विपक्षों पर भी भगवान ने कृपा किए, कुरुक्षेत्र के युद्ध में सम्मिलित सारे योद्धाओं को मोक्ष लाभ पहुंचा, क्योंकि मृत्यु के समय उन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया था। हाँ, प्रभुपाद लिखते हैं विपक्षियों पर कृपालु थे भगवान, क्योंकि यदि वो घर पर मरते या कहीं और किसी युद्ध में मरते तो उन्हें मोक्ष लाभ नहीं प्राप्त होना था, लेकिन यहां उन्होंने मृत्यु के समय भगवान के दर्शन किए और भौतिक जीवन से मुक्ति पाने का अवसर मिला। अतएव भगवान सर्वमंगलमय हैं, जो कि सबकी भलाई करते हैं। तो भगवान के जो कर्म है उनको कोई नहीं समझ सकता। जन्म कर्म चामे दिव्यम, प्रभुपाद इस बात में लिख रहे हैं भगवान के दिव्य कार्यकलाप हैं, और जो भी इन्हें समझता है वे इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद क्या कह रहे हैं, जन्म कर्म चामे दिव्यम यो मे वेति तक्त्वा त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी मामिति सुअर्जुना। तो ये भगवान के कर्म को समझना है, और हम समझ नहीं सकते हैं, तो कम से कम हमें इतना ही समझना है कि हम समझ नहीं सकते हैं, और जो समझ में नहीं आए तो क्या करना पड़ेगा, फिर शरणागत होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो लीलाएं हैं ये हम सब लोगों के लिए समझ में आने वाली नहीं है कि कैसे भीष्म देव भी महाजन बन गए हैं भगवान के विरुद्ध लड़कर, लेकिन भगवान किस भक्त से क्या लीला कराएंगे ये हमें समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हमें शरणागत होना चाहिए। अगले श्लोक में लिखते हैं, जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों और सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। याद रखिए हर श्लोक में ही बोल रहे हैं कि मैं उन भगवान से ये प्रार्थना कर रहा हूं कि उनके चरण कमल, उनका रूप मेरे स्मरण का आकर्षण बना रहे। अब यहां पर भीष्म पितामह उस समय का ध्यान कर रहे हैं जब भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, और याद रखिए हमने चर्चा किया था कि अर्जुन कोई संशय में नहीं था, अर्जुन तो भगवान का मित्र है, उसको पूरा ज्ञान था, लेकिन बाकी लोगों को ज्ञान देने के लिए भगवान ने अर्जुन को क्या किया था, माध्यम बनाया था पूरी समाज के कल्याण के लिए। भगवद्गीता का उपदेश प्रभुपाद लिखते महाभारत का युद्ध का मेन कारण था भगवद्गीता का संदेश प्रचारित करना। प्रभुपाद लिखते तात्पर्य में आगे जाके कि निश्चय ही अर्जुन की बुद्धि कलुषित हो गई थी, अन्यथा देहात्म बुद्धि के द्वारा भौतिक बंधन में पड़े कलुषित बद्ध जीवों के कल्याण के लिए भगवद्गीता का उपदेश देने का अवसर कैसे प्राप्त होता। तो असली में कलुषित की थी उन्होंने पकड़ी, अदरवाइज अवसर कैसे मिलता है। लिख रहे हैं आगे, लिखते हैं श्लोक संख्या 37 में, अब वो कह रहे कि आपने अर्जुन की बात मानी है और आपने सबकी बात मानी, युधिष्ठिर महाराज की बात मानी, आपने मेरी भी बात मानी है। क्या बात मानी भगवान ने भीष्म देव की, कहते मेरी इच्छा को पूरा करते हुए और अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर आप रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ता है, और इसमें आपका ऊपरी वस्त्र भी गिर गया था, गिर रहा था ना ऊपरी वस्त्र। भगवान दौड़े तो पितामह उनका गिर गया, बाल खुल गए, सारे देवता लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, भगवान पागलों की तरह दौड़ रहे हैं, अपना वचन तोड़ दिया युद्ध में किसके लिए, एक साधारण से क्षत्रिय के लिए, अर्जुन के लिए। तात्पर्य में कथा सुनते हैं कि ये कैसे हुआ, जब युद्ध चल रहा था ना तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि देखो भीष्म पितामह से तुम जीत नहीं पाओगे, तो कुछ प्लानिंग किया उन्हें। इधर दुर्योधन गया भीष्म पितामह के आवास, बोला आप जान के युद्ध में ना पांडवों को हरा नहीं रहे, क्योंकि आपका पांडवों से स्नेह है, प्रेम है। तो भीष्म पितामह क्षत्रिय थे, उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने बोला ठीक है मैं तुम्हें वचन देता हूं कि कल पांचों पांडवों को मैं मार दूंगा। उन्होंने पांच तीर रख निकाल दिए, तो दुर्योधन ने बोला ये तीर आप मुझे दे दो, कल को ऐसा ना रातों रातों का माइंड बदल जाए, आप छोड़ दो, लेकर चला गया निश्चिंत होकर। उस समय ऐसी प्रथा थी कि जब युद्ध समाप्त होता था शाम को तो दोनों पार्टी मिल जाती थी और बातचीत करती थी। तो भगवान ने अर्जुन को भेज जाओ दुर्योधन के पास जाओ, अर्जुन जाता है दुर्योधन के पास, दुर्योधन सत्कार करता है उसका, बोले क्या चाहिए, अर्जुन बोलता है मुझे वो पांच तीर चाहिए भैया।
अब दुर्योधन भी क्षत्रिय था, कुछ कुछ मांगने आया तो मना कर नहीं सकता, उसने वो 5 तीर दे दिए। जैसे ही ये बात भीष्म पितामह को पता चली तो भीष्म पितामह ने कहा, अभी तो भगवान की भक्त वत्सलता दिखानी पड़ेगी संसार को, ये भगवान छुप छुप के अपनी भक्ति रक्षा क्यों कर रहे हैं भाई, सारा संसार देखे ना कि भगवान कितने भक्त वत्सल है, कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि अपने वचन भी तोड़ सकते हैं। और उन्होंने प्लानिंग किया कि कोई बात नहीं भगवान, कल मैं आपसे अस्त्र शस्त्र उठा के रहूंगा। यहां पे वही कह रहे हैं कि आपने मेरी इच्छा को पूरी करते हुए, तो ये भीष्म पितामह की इच्छा थी, तो भगवान को पता चल गया ये बात। भगवान ने एक और तिकड़म लगा लड़ाई, फिर भगवान ने द्रौपदी को बुलाया, बोला द्रौपदी जाओ देखो आज ना भीष्म देव ने प्रतिज्ञा ले ली है कि वो 5 पतियों को मार देंगे तुम्हारे, और अगर पति मर गए तो तुम्हारे को रहने का फायदा ही कुछ नहीं है, तुम्हें भी सती होना पड़ेगा, तो सती होने से पहले अपने गुरुजन और अपने भीष्म पितामह को दर्शन करके आओ, उनसे माफी मांग लो कोई गलती हुई हो तुम्हारे से। और अंधेरी रात में द्रौपदी महारानी चल पड़ती है भीष्म पितामह के कैंप की तरफ, और भगवान पीछे पीछे चल रहे हैं और बोलते हैं, अरे तू जा रही है, आवाज आ रही है चप्पलों की, चप्पल मेरे को दे दे, क्योंकि उनको डर था कि भीष्म पितामह कहीं द्रौपदी के रात के अंधेरे में डर ना जाए और वापस ना चली जाए, तो पीछे पीछे चल रहे हैं। द्रौपदी जाती है भीष्म पितामह के कैंप में, और जब जाती है तो भीष्म पितामह थोड़े चिंतित हैं, क्योंकि उन्होंने वचन तो दे दिया द्रौपदी को कि मैं मारूंगा, लेकिन उनका पांडवों से स्नेह था, सोचे पड़े क्या करूं क्या नहीं करूं। रोज दुर्योधन की पत्नी भी आती थी भीष्म पितामह के पास, और भीष्म पितामह उसको वरदान देते थे सौभाग्यवती रहो। तो इस बार भगवान की योजना से जब द्रौपदी वहां पहुंची तो भीष्म पितामह ने देखा नहीं ऊपर और बोल दिया सौभाग्यवती रहो। जैसी द्रौपदी ने सुना तो बोलती पितामह, और जैसे ही भीष्म पितामह ने सुना द्रौपदी की आवाज तो समझ गई तो द्रौपदी है, सर ऊपर किया और बोला अरे ये क्या, और बोला मेरे से आज तक कभी गलती नहीं हुआ, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, तो बोला कोई बात नहीं ठीक है, अब मैंने आशीर्वाद दिया तो तुम्हारे को ये आशीर्वाद मिलेगा, तुम सौभाग्यवती रहोगे। द्रौपदी प्रसन्न होकर चली गई। इधर भगवान पीछे पीछे खड़े थे, भीष्म पितामह सोच रहे क्या ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये कैसे हुआ आज। भीष्म पितामह बाहर आते हैं, और जब बाहर आते तो क्या देखते हैं, भगवान कृष्ण हाथ में चप्पल लेकर खड़े हैं। समझ गए भीष्म पितामह की कृष्ण ये तुम्हारी चाल है, और तब फिर वही कहते हैं कि ठीक है अब मैं पूरे संसार को, पहले तो उन्होंने मन में प्रतिज्ञा की थी, अब कृष्ण कहते हैं तुम्हें कल मैं बता रहा हूं पूरे संसार को दिखाऊंगा कि तुम कितने भक्त वत्सल हो, और देखना तुमने प्रतिज्ञा ली है ना कि अस्त्र शस्त्र उठाऊंगे, कल मैं उठा के दिखाऊंगा। प्रभुपाद में लिखते कि बड़ा भीषण युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण ने भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा को रखा, उन्हें प्रसन्न करना चाहा, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण था। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा, और भीष्म देव ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुमसे अस्त्र शस्त्र उठवा के रखूंगा, तो भगवान ने क्या बोला, मुझे अपनी प्रतिज्ञा का कोई चक्कर नहीं है। जबकि भगवान का नाम अच्युत है, लेकिन भगवान अपने भक्तों की प्रतिज्ञा का मान रखना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कृष्ण ने भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा जो रख उन्हें प्रसन्न करना चाहा। प्रॉपर लिख रहे हैं कि कैसे, पूरे पार्पण में लिख रहे हैं कि जब भीष्म देव ने प्रतिज्ञा कर ली थी तो उसके बाद क्या हुआ, साक्षात भगवान रथ पे थे लेकिन भीष्म देव चाह रहे थे, तो उस दिन क्या हुआ, बहुत ही क्रोध में युद्ध हुआ, और इतना तेज से युद्ध हुआ कि भीष्म पितामह ने लग रहा था मार ही देंगे आज तो अर्जुन को। और भगवान ने देखा जब अर्जुन अपने आप की रक्षा नहीं कर पा रहा है तो भगवान कृष्ण अपने मित्र को बचाने के लिए रथ से उतरते हैं, पहिया उतारते हैं, उठाते हैं और दौड़ते हैं भीष्म पितामह की तरफ, और तब भीष्म पितामह वहां पर अपना अस्त्र रख देते हैं। बोलते यही तो मैं चाहता था, मैं लड़ने धुना आया हूं अर्जुन से, यहां पर वो तो मुझे पता है तुम यहां पर हो तो विजयी होगा, ये विजय सखे नाम से बोल दिया। तो ये है भगवान का भीष्म पितामह के संग प्रेममय संबंध। उन्होंने कहा कि देखो मैं नहीं अपनी प्रतिज्ञा रख रहा हूं, तुम्हारी प्रतिज्ञा और अर्जुन की रक्षा करने के लिए। भगवान कह रहे कौन थे आप, जाना ही नाम है भक्तिया बणश्री। आगे फिर कह रहे हैं वो कि भगवान आपका नाम मुकुंद है क्योंकि आप मोक्ष दाता हैं, वो मेरे अंतिम गंतव्य बने। तो भक्त क्या चाहता है, हमेशा भक्त ये चाहता है कि भगवान मेरे अंतिम गंतव्य बने। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो मेरे पहने बाणों से भने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हो, उनका कवच छितरा गया था, उनके शरीर में खून लगा हुआ था। ये सब अर्जुन भीष्म पितामह को स्मरण आ रहा है कि भगवान कितने आतुर थे अपने भक्त का रक्षा करने के लिए।
प्रभा लिखते हैं, भक्त शत्रु का अभिनय करते हुए भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। तो भीष्म पितामह अभिनय कर रहे हैं शत्रु का, लेकिन वो उनको प्रसन्न कर रहे हैं। परम पूर्ण होने के कारण भगवान अपने भक्त की शत्रु वेश में भी सेवा ग्रहण कर सकते हैं। परमेश्वर का कोई शत्रु नहीं हो सकता, ना ही कोई शत्रु उन्हें हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि वो अजीत हैं। तो भी उन्हें आनंद आता है जब उनका कोई शुद्ध भक्त उन पर शत्रु जैसा काम करे। तो भगवान के जो शरीर पे रक्त दिख रहा है, मिट्टी दिख रही है, भीष्म पितामह का बड़ा प्रसन्न हो रहा है। जैसे हम देखते हैं ना कृष्णा में, जब भगवान गौशाला में चलाते थे उनके शरीर पर गोबर लगता था, ब्रज रज लगती थी, तो बड़ा सुंदर लगता था उनको। तो इस तरह से वो भीष्म देव शत्रु होते हुए भी भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट और श्लोक, श्लोक संख्या 39 कहते हैं, विजय रथ कुटुंब आत्मतेत्र। वो कहते हैं कि मेरा मन किसमें लगे, उनमें जो कि विजय रथ, अर्जुन के रथ को कुटुंब, जान की बाजी लगाकर जिस वस्तु की रक्षा की जाए उसको कुटुंब बोलते हैं। वो कह रहे हैं मैं अर्जुन के, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि कृष्ण ऐसे अर्जुन की रक्षा कर रहे हैं जैसे कि अपना परिवार हो। मृत्यु के अवसर पर मेरा आकर्षण भगवान कृष्ण के प्रति हो, मैं अपना ध्यान अर्जुन के सारथी पर एकाग्र करता हूं, जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए हैं, बाएं हाथ में लगाम की रस्सी थामे हैं और सब प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के लिए अत्यंत सावधान है। जिन लोगों ने भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनका दर्शन किया, उन सब लोगों ने अपना मूल स्वरूप प्रदान किया। प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसा शुद्ध भक्त भगवान को क्षण भर के लिए भी नहीं भूल सकता, यही समाधि है। तो भीष्म पितामह निरंतर भगवान का स्मरण कर रहे हैं। मैंने बताया ना 50 दिन हो चुके इस बात को निकले, 50 दिन से वो लेटे हुए हैं, उनको याद है, ये समाधि है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो जबकि शुद्ध भक्त की एकाग्रता शुद्ध प्रेममय स्नेहयुक्त सहज भाव से होती है। भीष्म देव शुद्ध भक्त थे और सेनानायक के रूप में, पार्थ सारथी के रूप में भगवान का दर्शन कर रहे थे। तो क्योंकि अर्जुन तो मैंने पीछे थे ना, लेकिन भीष्म देव उनका दर्शन कर रहे थे। प्रभुपाद लिखते हैं कि सारे सैनिकों ने अपना मूल स्वरूप प्रदान किया, क्योंकि भगवान की हेतु की कृपा से सब लोग प्रकट हुए। और फिर वो अब थोड़ा चेंज करते हैं, कहते हैं मेरा स्मरण उनके लिए भी है, उन कृष्ण के प्रति हो, जो अपनी चाल और प्रेम भरी मुस्कान से वृंदावन की गोपियों को आकर्षित करते हैं। किस प्रकार से भगवान के अंतर्धान होने पर गोपिकाएं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। तो प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन के साथ भगवान का संबंध भीष्मदेव जैसे भक्त द्वारा प्रशंसनीय है, इन गोपियों के साथ भगवान का संबंध और भी अधिक शुद्ध प्रेममय सेवा के कारण अधिक प्रशंसनीय है। भगवान की कृपा से भगवान की भात्र सेवा प्राप्त हुई थी, लेकिन भगवान ने अर्जुन को अपने समान स्तर की शक्ति प्रदान नहीं की थी। जीवन की अंतिम अवस्था में वो क्यों स्मरण कर रहे हैं गोपी जन वल्लभ के रूप में, गोपीनाथ के रूप में, कि गोपियों की भी कृपा प्राप्त हो। ये देखिए भक्त का भाव है कि हर तरह से अर्जुन की कृपा मिल जाए, गोपी कृपा मिल जाए, जिससे कि मेरे को अल्टीमेटली भगवान की कृपा मिलेगी। अतः भीष्म देव ने केवल अर्जुन के कृत्य को ही यशोगान नहीं किया, अपितु गोपियों का भी स्मरण किया, जिन्हें भगवान की प्रेममयी सेवा के कारण भगवान की अद्वितीय कृपा प्राप्त है। तो भक्त हमेशा हर स्थिति में भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहता है। लास्ट श्लोक है ये। अब वो राजसूय यज्ञ का स्मरण कर रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे राजा ऋषि लोग आए थे और सबों ने कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। ये सब मेरे आंखों के सामने हुआ था, मेरा मन उन भगवान में लगे। और फिर कहते हैं, अब मैं पूर्ण एकाग्रता से भगवान कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में रहने वाले भगवान को प्राप्त कर चुका हूँ। वे सबों के हृदय में रहते हैं, भले ही लोग उनको अलग अलग, और इस तरह फिर वो स्मरण करना छोड़ देते हैं और उनका शरीर शांत हो जाता है। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं, हमारे पास तो इतना समय नहीं था, लेकिन यहाँ बहुत कुछ सीखने के लिए है। भीष्म देव की स्तुतियों से, भीष्म देव के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि पहला, कि जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हर तरह की सेवा स्वीकार करने के लिए तैयार है, चाहे शत्रु भी बनना पड़े, भगवान के विरुद्ध भी खड़ा होना पड़े। और दूसरा, इतनी कष्टमय स्थिति थी शारीरिक रूप से, बट फिर भी वो हमेशा भगवान का कथा कीर्तन करते रहते हैं। यही ज्ञान भगवान भी दे सकते थे, लेकिन भगवान भीष्मदेव की स्तुति करवा रहे हैं कि भीष्मदेव कितने महान है। जैसे प्रभुपाद जी 80 साल की उम्र में, जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट भी वो भागवतम का प्रवचन कर रहे हैं। तो भगवान के जो भक्त हैं उनका मन हमेशा कृष्ण गुणगान में रहता है और कोई भी शारीरिक अवस्था उनको रोक नहीं सकती है।
और एक और बात भीष्म देव ने कैसी की कि भगवान का गुणगान हमेशा भक्तों के साथ होता है, विजय सके पार्थ सके विजय रथ कुटुंब है, भगवान कभी अकेले प्रसन्न नहीं होते, भगवान के भक्तों के साथ हमें गुणगान करना चाहिए। और सबसे मुख्य बात कि हमारे को अपना जो मन है जिसके काम क्या है, तीन, सोचना अनुभव करना और इच्छा करना, इन तीनों वाले मन को कृष्ण में लगाना चाहिए जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, और वो तभी संभव है जब हम सारा जीवन हम इसको कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भगवान वो करते हैं जो उनके भक्तों को प्रसन्न होता है, जो उनके भक्तों को आदर और सम्मान करता है। तो भगवान ने सारी लीला की भीष्म देव को गुणगान करने के लिए और अर्जुन का महान बढ़ाने के लिए। तो ऐसे महान ये महाजन हुए हैं भीष्मदेव। ये बारहवें इसका जो फर्स्ट कैंटो का जो नौवां चैप्टर है भीष्मदेव स्तुति, इसको पढ़िए। और हम भीष्मदेव से प्रार्थना करते हैं कि हमारा भी मन भगवान के चरणों में लगे। और जैसे कि प्रभुपाद ने बुलाया कलयुग में हम तो इतनी सुंदर स्तुति नहीं कर सकते हैं, तो इन स्तुतियों को सुने और साथ में मन को मंत्र में हरे कृष्ण महामंत्र में लगाएं, ध्यानपूर्वक महामंत्र का जप करें, भगवान से प्रार्थना करें, तभी हमारा मन कृष्ण के चरण कमल में लगेगा। हरे कृष्ण। श्रील भीष्मदेव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंद।